आज रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और हर तरफ दहशत का माहौल है। युद्ध जैसा विनाशकारी माहौल होने के बावजूद भारत ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया ताकि यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को निकाला जा सके। भारत के द्वारा चलाए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन आपको बताते चले कि भारत ने इससे भी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और जो रिकॉर्ड के तौर पे गिनीज बुक में दर्ज है। 2 अगस्त 1990 को अचानक कुवैत में रह रहे भारतीयों को पता चला कि इराक ने इस मुल्क पर हमला कर दिया है। अपने देश से हजारों मील दूर इस खाड़ी मुल्क में रह रहे भारतीयों पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट गया। इराक से कुवैत की दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी और कुवैत की हैसियत भी नहीं थी कि वह सद्दाम की सेना के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। नतीजन कुछ ही घंटों में कुवैत के सुरक्षा बल भाग खड़े हुए और वहाँ के शासक रहे अमीर भी जनता को उनके हाल पर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल गए। शाम होते होते कुवैत की सड़कों पर इराकी रिपब्लिकन गार्ड दिखाई देने लगे। हर तरफ हथियार बंद इराकी गार्डों को देखकर कुवैत के स्थानीय लोगों में दहशत भर गई। इनमें भारतीय समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में थे। एक अनुमान के मुताबिक उस समय कुवैत में 2.25 लाख भारतीय रह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग वहाँ नौकरी पेशा थे जो कुवैत के उद्योग में काम करते थे। हालांकि इराकी गार्डों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी दहशत हर तरफ थी। वो बस आने जाने वालों को टोक रहे थे। नतीजन युद्ध के इस माहौल में लोग घरों और दफ्तरों में ही कैद रह गए। कुवैत के अमीरों को देश छोड़ने के बाद इस बात की संभावना भी कम थी कि यहाँ हालात जल्दी सुधरेंगे, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने देश का हिस्सा मानते हुए यहाँ इराकी शासन की घोषणा कर दी थी। इसके लिए उसने अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजिद, जिसे केमिकल अली भी कहा जाता था, उसे कुवैत का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसी बीच कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार ने कदम उठाया। इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को, जो तुरंत इस मुद्दे पर सक्रिय हुए और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से जिद्दा में मुलाकात की। हालांकि यहां एक गुमनाम भारतीय अरबपति की भूमिका का भी जिक्र किया जाता है जो कुवैत में रह रहा था। कहा जाता है कि उसी ने दोनों नेताओं की मुलाकात कराई और इसके बाद ही कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया। इसी व्यक्ति के ऊपर कुछ दिन पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म एयरलिफ्ट आई थी, जिसमें उन्होंने रंजीत कात्याल की भूमिका निभाई थी। फिल्म में दावा किया गया है कि रंजीत कात्याल ने ही अकेले दम प्रयास कर 1,70,000 भारतीयों को एयर इंडिया की मदद से एयरलिफ्ट किया था। इस अभियान में सबसे पहले भारतीयों को सुरक्षित जॉर्डन सीमा पर पहुंचाया गया। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक 60 दिनों के अभियान में भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानों ने दिन रात एक करते हुए पूरी 500 उड़ानें भरी, जिससे कि कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने में सफलता मिली। कुछ लोगों को दूसरे देश के रास्ते निकाला गया और कुछ ने अपने निजी प्रयासों से कुवैत से बाहर निकलने में सफलता पाई। एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय के इस अभियान को पूरी दुनिया में सराहा गया और एक साथ इतने लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। दुनिया ने पहली बार भारत के इस अनोखी ताकत को देखा जो हर किसी को हतप्रभ कर गई। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।